नमस्कार, आज से सच न्यूज 24x7 एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहा है। आपके सवाल अशोक सर के जवाब। इस कार्यक्रम में आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं जिनका जवाब हम अगले प्रोग्राम में देंगे। क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है इसलिए हमने कुछ सवाल आपके लिए चुने हैं जिनका हम जवाब देंगे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रोफेसर अशोक अरोड़ा है। मैं एक पत्रकार के साथ साथ लेखक भी हूँ और 100 से अधिक किताबें लिख चुका हूँ। आप कोई भी सवाल किसी भी विषय पर आप मुझे भेज सकते हैं, लेकिन सवाल अश्लील या व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अगर आप चाहेंगे कि आपका नाम गुप्त रखा जाए तो हम जवाब देते हुए आपका नाम नहीं लेंगे। तो सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं अप्रैल फूल डे क्यों मनाया जाता है? आज 1 अप्रैल है और अप्रैल फूल डे मनाने के पीछे भी एक इतिहास है। 1582 में फ्रांस सरकार ने अपने देश में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की थी। इससे पहले वहां जूलियन कैलेंडर लागू था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होती है, जबकि जूलियन कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत 1 अप्रैल के आसपास होती है। तो क्योंकि फ्रांस सरकार ने घोषित कर दिया था कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नया साल की शुरुआत होगी, लेकिन कुछ लोगों को ये मालूम नहीं था, उन्होंने जूलियन कैलेंडर के अनुसार 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से ही नया साल बनाने की शुरुआत कर दी और वो सेलिब्रेशन करने लगे। इस पर कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी पीठ के पीछे मछली की फोटो लगा दी और उन्हें कहा गया फिश अप्रैल फिश या अप्रैल फूल उनको कहा जाने लगा। तभी से ये 1 अप्रैल डे से अप्रैल फूल डे मनाया जाता है। अब दूसरा सवाल लेते हैं, क्या भारत में भी मिलेगी मेंस्ट्रुअल लीव? जी हाँ, ये अप्रैल फूल नहीं है, ये सच है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है और बिल लाने की तैयारी कर रही है संसद में कि जिससे अगर वो बिल पर सहमति बन जाती है और वो बिल पास हो जाता है तो प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को, जो महिलाएं हैं, उनको पीरियड्स के दौरान 2 से 3 दिन की हर महीने की लीव मिल पाएगी। ये लीव अन्य जो लीव मिलती हैं उसके अतिरिक्त हो, तो है ना अच्छी खबर महिलाओं के लिए। तो इस मेंस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल 2017 को 2018 में और फिर 2022 में भी लाया गया था, लेकिन तब सहमति नहीं बन पाई थी। अब इसको फिर से दोबारा लाने की तैयारी है। देखते हैं कि अगले संसद सत्र में ये बिल आता है, पास होता है या नहीं। अभी भी देश में 9 प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान जो लीव है वो देती हैं। ये 9 कंपनियों में से 3 प्रमुख कंपनियां हैं, स्विगी, जोमैटो और बीजूस। अगला सवाल लेते हैं, AI क्या है? AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है आजकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देना मशीन के अंदर। मशीन, जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर, उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, उसका कोई दिमाग नहीं होता। हम जो भी कंप्यूटर से पूछते हैं उसमें पहले प्रोग्रामिंग की जाती है, वो उसमें सवाल जवाब उसमें बताए जाते हैं और उसके अनुसार वो जवाब देता है। तो यानी कि जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं, जो लैपटॉप आप यूज करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती। उसमें आप कंप्यूटर से अगर आप सवाल पूछते हो तो उसकी पहले प्रोग्रामिंग की होती है, तो उसी अनुसार आपको जवाब मिलता है। यानी कि कंप्यूटर को बताया जाता है क्या करना है
और कैसे करना है ये कंप्यूटर को पहले ही बताया जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तकनीक है का मतलब ये है कि कंप्यूटर को आप ये बता दें कि क्या करना है, हम कंप्यूटर से ये पूछेंगे कि क्या करना है, और ये कंप्यूटर को हम नहीं बताते कि कैसे होगा, तो कंप्यूटर अपने आप जवाब देगा। जैसे रोबोट हैं, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब आप उनसे अगर कुछ भी सवाल पूछेंगे तो वो अपने दिमाग से मतलब सोच कर वो बता देंगे। हालांकि उसकी भी प्रोग्रामिंग की जाती है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग बोलते हैं, वो भी प्रोग्रामिंग की जाती है, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है उससे अलग होती है। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला सवाल लेते हैं, चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, या प्रोग्राम समझ लीजिए, एक एप्लीकेशन समझ लीजिए, जिसका इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर से या मोबाइल पर कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं और वो आपको जवाब देगा। आप कोई भी सवाल, अगर आपको मान लो अपना मैथ्स का होमवर्क कर रहे हो, साइंस का होमवर्क कर रहे हो, या किसी कंप्यूटर साइंस का ही कोई प्रोग्राम लिख रहे हो और आपके प्रोग्राम में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप प्रोग्राम वहां पे फीड कर दीजिए और कंप्यूटर से पूछिए कि इस प्रोग्राम में क्या गलती है, ये क्यों रन नहीं कर रहा, तो कंप्यूटर आपको सजेशन देगा चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी काफी पॉपुलर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको आप अपने मोबाइल फोन में और लैपटॉप में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ सवाल। अब अगले सवालों के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि आप किस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, उसका जवाब हम अगले प्रोग्राम में देंगे। लेकिन सवाल कोई अश्लील या व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए। प्रोफेसर अशोक अरोड़ा को अब दीजिए इजाजत, अगले कार्यक्रम में मिलते हैं। नमस्कार। ये कुर्ता सिलना है मेरे साइज का। अच्छा, एक मिनट, हां मैं चेक कर लेती हूं। हां हाथ छोड़िए, हाथ हाथ ऊपर कीजिए। मैं बाद में आती हूँ ना, अभी कर लेते हैं, वो बाद में आती हो जाएगा। सुनिए ना, सुनिए ना, रिया दीदी, आपकी दुकान छोटी है मगर हुनर बड़ा है, एक बड़ी दुकान लेके आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ाती? लेकिन मनी बाबू, पैसे कहाँ से लाए? दिव्या दीदी, सरकार की कई सारी स्कीम्स मेहनती व्यापारियों के लिए तो है। अच्छा, लेकिन क्या हम जैसों के लिए भी कोई स्कीम है? बिल्कुल, CGTMSE की क्रेडिट गारंटी स्कीम है ना, उसकी जानकारी लीजिए और फाइनेंस कंपनी से आर्थिक सहायता लेकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। भारत में हर रोज हजारों लघु उद्योग शुरू होते हैं, मगर जानकारी ना होने की वजह से ये इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने विकास को गति दें। मनी ज्ञान से जीवन आसान।